आज 26 जनवरी के पावन अवसर पर आप सबको बधाई। आज हम जिनकी बात करने जा रहे हैं वो किसी नाम के मोहताज नहीं हैं। उनकी बहादुरी रणकौशल की चर्चा और उनके बलिदान की महक इस मिट्टी के कण कण से आ रही है। ग्राम मनकहारी, जिला सतना, मध्य प्रदेश में जो पैदा हुए उनकी एक कथा, ये क्यूटी जलप्रपात यहाँ से जुड़ी हुई है। आप सब देख रहे होंगे कि ये जलप्रपात है, महाना नदी है। अंग्रेजों को एक बार पता लगा कि ठाकुर रणमत सिंह क्यूटी की गढ़ी जो वहाँ है, धुंध के कारण शायद ना दिख रही हो, वहाँ ठहरे हुए हैं। तो अंग्रेज सामने से युद्ध करने के काबिल अपने आप को रणमत सिंह के सामने नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि यदि तोप के गोलों से हम गढ़ी की दीवारों को गिरा देते हैं तो ठाकुर रणमत सिंह को वहाँ से भागना पड़ेगा। तब उनकी तादाद और उनकी क्षमता स्पष्ट हो जाएगी, तब पकड़ लेना हमारे लिए आसान होगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि ये जलप्रपात जिसकी ऐसी महिमा है, ये भैरव बाबा का मंदिर है, कि दुश्मन यहाँ कभी सफल हुआ नहीं। तोप के गोले चलाए तो गए लेकिन जलप्रपात के शीतल जल में ही वो विसर्जित हुए। तोप के गोलों से जलप्रपात का जल गर्म हो गया, बलकने लगा और वहाँ से गर्म गर्म हवा चलने लगी और वो हवा ठाकुर रणमत सिंह के शरीर से टकराई। तो उनके शरीर का जो चित्रण हुआ वो हमारे ही धरा के एक महान कवि ने कुछ छंदों में उसका वर्णन किया है। थोड़ा सा जो हमें याद है वो हम आप सबके सामने प्रस्तुत करते हैं। कवि कहते हैं कि धाय धाय गोरा सब तीरे तीरे घेर लिहिन, अतोप केर भरा मुँह कूड़ा कहती फेर दिहिन, गोला बारू खाय खाय तोप धाय धाय निरियानी, बलक उठा कूड़ा केर जूड़ जूड़ पानी, गरम गरम हवा चली गरम भाई जवानी, गरम भा बघेल वीर केर लाल पानी, लाल अंगार कस लाल अंगार कस आँख भई लाल लाल, लाल अंगार कस आँख भई लाल लाल, पलकन के कोर से लपट उठी लाल लाल, लाल भा विशाल गाल बहुका कराल बड़ा, लाल भा लीलार मानो काल बिकराल खड़ा, तो एड़ से बढ़ाए घोड़ मूछ कुछ उठाए के, बाघ अस गरजा बघेल जंहाय के, आज देख लेब आज छाती खोली सौहे आई कौन, देख लेब बाघ है बियान महतारी कौन, तो महकाई लाग बघेली माटी, घर घर से आवाज उठी रणमा ठाकुर रणमत सिंह के, तरवार उठी तरवार उठी, बीहर बिछिया टमस ये महाना मारे सुख के उतराय परी, सागर से जाय संदेश कहीं तो सोन नर्मदा धाय परी, जय हिंद जय भारत। जो ये रोड सतना से जुड़ी हुई है, सिमरिया होते हुए यहाँ आती है, जलप्रपात है ये। जलप्रपात तक पहुँचने के लिए डभौरा इलाहाबाद से जुड़ी हुई है, आप वहाँ से भी यहाँ आ सकते हैं। और यही रोड आगे चल के सीधे रीवा चली जाती है और थोड़ा सा आगे जाके उत्तर को मुड़ती है, जो लाल गांव कटरा होते हुए चार घाट इलाहाबाद पहुंचती है। साथियों, ये रोड सिरमौर होते हुए सिमरिया, सिमरिया से सतना जाती है, ये जलप्रपात है। यहाँ पहुंचने के लिए आप सतना से भी आ सकते हैं, यहाँ डभौरा होते हुए भी यहाँ आ सकते हैं और यहाँ से थोड़ा आगे जाके सीधे चली जाती है जो रीवा पहुँचाती है, रीवा से भी आप यहाँ आ सकते हैं। और थोड़ा सा यहाँ से आगे रोड मुड़ती है जो उत्तर दिशा में होती हुई सिमरिया, सॉरी लालगांव, कटरा, सुहागी, चाक घाट और इलाहाबाद से जोड़ती है। आप इस मार्ग से भी यहाँ इस जलप्रपात देखने आ सकते हैं।